हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट मानसी फ्रॉम मैजिक मंच और आज हम आपको ले जा रहे हैं खोखसर सिसु की सैर पे। तो जुड़िए हमारे साथ। लेट मी टेल यू अबाउट दिस ट्रिप विच विल लीव यू मोर स्पीचलेस देन अ फिश आउट ऑफ वाटर। वी हेडेड टू खोखसर विच वॉज 7 kilometers फ्रॉम अटल टनल एंड 70 kilometers फ्रॉम मनाली। खोखसर इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन लाहौल, हिमाचल प्रदेश। इट इज मोस्टली स्नोड ड्यूरिंग विंटर्स, बट ड्यूरिंग समर मंथ्स प्लेसेस आर इन बिजनेस। हम यहाँ गए अप्रैल एंड 2024। आर एडवेंचर बिगैन विथ अटल टनल। सब शुरू हुआ अटल टनल में घुसते ही। ऐसा लगा विशाल पहाड़ी जीव ने हमें अपने पेट में निगल लिया हो। अंधेरा, ठंडी हवा का झोंका और गाड़ी की रोशनी में दिखते दीवारों पर न जाने कितने चित्र उभर रहे थे। नाउ इमेजिन दैट यू आर ड्राइविंग अलोंग एंड सडनली यू आर स्वॉलोड बाय अ होल जायंट माउंटेन क्रीचर्स। एक्सेप्ट दैट इट्स नाइस एंड कूल इनसाइड विद द फैंसी लाइट्स दैट मेक इट फील लाइक अ डिस्को फॉर द स्नो मॉन्स्टर। And then bam, we were like, wow, what are we looking at? Snow-capped mountains everywhere, spilled by this clumsy giant. सामने जो नजारा था वो हम देखते ही रह गए। बर्फ से ढके पहाड़ मानो सफेद चादर ओढ़े खड़े थे। सूरज की किरणें उन पर चमक रही थी। तभी हमने अपने अपने गॉगल्स निकाले क्योंकि उसकी चकाचौंध इतनी तेज हमारी आंखों पर पड़ रही थी कि हमारी आंखें खुलती नहीं बन रही थी। वी वर ऑल स्पीचलेस विद द स्टनिंग व्यू विच वॉज इन फ्रंट ऑफ अस। ऐसा लग रहा था किसी ने कोई पेंटिंग ड्रॉ की है और हमें बस उस पेंटिंग में उतार दिया है। थोड़ी दूर जाकर हम रुके और वहाँ पे देखा तो लोग बर्फ में खेल रहे थे। कड़ाके की ठंड। वी आर टॉकिंग हियर टीथ चैटरिंग कोल्ड बट द फन फैक्टर वॉज सो हाई दैट यू वोंट इवन केयर। वी ऑल्सो बिल्ड सम स्नोमैन दैट लुक्ड मोर लाइक लंपी पोटैटोज एंड हैड स्नोबॉल फाइट बट बाय द एंड ऑफ इट वी वर लाइक वाइटर देन द घोस्ट। हमने अच्छा किया था कि जो स्नो में पहनने की ड्रेस है वो हम अपने साथ लेके चले थे मनाली से ही, तो हमें वहाँ जाके ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। तो स्नो में पहनने के आपके अलग से एक डंगी ड्रेस होती है और बूट्स होते हैं। हमने वहीं कार में चेंज किया अपनी जो पहनी हुई ड्रेस थी उसके ऊपर डंगरीज डाली, बूट्स पहने, ग्लव्स पहने और रेडी हो गए स्नो में खेलने के लिए बर्फ के गोलों से। हमने इतनी मस्ती की वहाँ पे और आपको मिलेंगे वहाँ पे कई जने आ जाते हैं, आपकी फोटोग्राफ इंस्टेंट खींच के आपको देते हैं। प्लस वहाँ पे हिमाचली ड्रेसेस वाले भी रहते हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस में आपको एक घंटे के लिए ऐसा कुछ हिमाचली ड्रेस पहनने को देते हैं, आप उसमें फ़ोटोज़ भी खिंचवा सकते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा था नज़ारा देखें खेलें करें क्या। जितना टाइम हम रह सकते थे बर्फ़ में हम रहे और बहुत इंजॉय किया। उसके बाद जब ठिठुरने कुछ ज़्यादा ही लगे तो दूर एक कैफ़े दिखा और हम उसकी तरफ बढ़ गए। द फन डजंट स्टॉप हेयर। ऑन आर वे बैक वी स्टम्बल्ड अपॉन अ लिटिल कैफ़े दैट ओनली ओपन फॉर फ्यू मंथ्स इन अ ईयर लाइक अ स्लीपी बनी वेकिंग अप फ्रॉम हाइबरनेशन। We huddled inside, sipping, piping hot tea that could melt a snowman's heart. Momos and pakoras were like party in our mouths. We even got chatty with the waiter, a brave soul who told us about how they cover the cafe with the giant sheets before
विंटर एंड द स्नोइंग स्टार्ट्स, लाइक टकिंग इन टू अ ग्रम्पी ग्रैंडपा फॉर अ लॉन्ग नैप. कब तक, कब कब खुलता है, कौन से मंथ से कौन से मंथ? अप्रैल से खुलेगा और दिसंबर तक रहेगा. दिसंबर तक? हाँ जी. और आप लोग यहीं रहते हैं? यहाँ पे या पीछे? यहीं पर. वहाँ नीचे? वहाँ नीचे भी चले जाते हैं कभी. अच्छा, ठंड नहीं लगता इधर? ठंड तो लगता है, मेरे पास रहना पड़ेगा. फिर जब आप बंद करके जाते हैं इसको अपना दिसंबर में, तो कैसे यहाँ पे बारिश, वो बर्फ तो आता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, बहुत आता है. इनको सारे बाहर से चादर से ढक देते हैं ना. अच्छा, उसके ऊपर फिर बर्फ आ जाता है? उसके ऊपर बर्फ आ जाता है. और फिर वो बर्फ कब हटता है? वो बर्फ मैडम अभी मार्च के बाद ही हटता है. मार्च के बाद अपने आप ही पानी बन के चला जाता है? ऊपर से नीचे से पानी बन जाएगा. ये खराब नहीं होता अंदर का इंटीरियर, पेंट वेंट कुछ नहीं होता? बाहर से होगा, फिर उसकी रिपेयर होगी. अच्छा. हाँ जी मैडम, ठीक है भैया, थैंक यू. बहुत सुंदर जगह ये. काफ़ी साफ सुथरा कैफ़े था एंड इवन रेस्ट रूम्स वर क्लीन देयर. सो एनी टाइम यू आर गोइंग, ऑलवेज यू कैन चेक आउट दिस. वहाँ काम करने वाला जो लड़का था, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, उसने वहाँ की बहुत बातें बताई. और जहाँ वो अभी रह रहे थे, वो उन्होंने अपने रूम्स भी बताए कि कैसे वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं इतनी ठंड में. क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद पहाड़ों में जो ठंड पड़ना शुरू होती है, तो सुबह सूरज निकलने तक बहुत ठंड पड़ती है. खा पी के पेट पूजा करके हम निकले सिसु विलेज की तरफ. सो आर जर्नी वॉजंट ओवर येट, वी हेडेड आर वे टूवर्ड सिसु विलेज, वेयर द रिवर वाटर वॉज सो क्लियर दैट वी स्टॉप्ड आर कार जस्ट टू टच द वाटर. रास्ते में गाड़ी से उतर के नदी के पानी को जस्ट छूने के लिए हम लोग छोटा सा ट्रैक करके नीचे गए. और वहाँ देखा तो इतना साफ पानी कि उसमें नीचे जो पत्थर पड़े थे वो भी इतने सुंदर लग रहे थे, चमक रहे थे. और जैसा कि मेरी आदत है, मैं कहीं पे भी जाती हूँ वहाँ से वहाँ का पत्थर ज़रूर उठा के लाती हूँ. तो यहाँ से मैंने कुछ पेबल्स और एक चमकीला पत्थर भी उठाया. मनाली के पहाड़ों में मैंने देखा है कि यहाँ के जो पत्थर हैं उसमें एक अलग सी चमक थी, मिरिंग चमक जिसे कहते हैं. हम बस 5-10 मिनट ही नदी के पास रुके होंगे कि हम फिर से ठिठुरने लगे और वापस भाग के गाड़ी में बैठ गए और आगे सिसु विलेज की तरफ निकल गए. ट्रिल एंड में सिसु विलेज न तो हरा था न बर्फ से ढका था, तो कुछ ग्रे ग्रे सा नज़ारा था दूर तक, पर वो भी अपने आप में एक सीनरी की तरह ही था. दूर दूर तक खाली पेड़ और ज़मीन और बीच में एक लेक, सिसु लेक जिसे बोलते हैं. और दूर से हमने पहाड़ पे एक झरना देखा, सिसु वाटरफॉल, और रोरिंग ब्यूटी दैट हैड अस फीलिंग रियली स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इन फ्रंट ऑफ इट. सच में ऐसा लग रहा था कि मानो पहाड़ों के बाल खोलकर उन्हें धोया जा रहा हो. द मेजेस्टिक सिसु वाटरफॉल. ये था दोस्तों हमारा खोक्सर का सफर. खोक्सर, अ प्लेस वेयर स्नो फाइट्स टर्न इनटू डांस पार्टीज, कैफेज ओपन एंड क्लोज विथ सीजंस एंड रिवर्स स्पार्कल लाइक ट्रेजर चेस्ट ओवरफ्लोइंग विथ ज्वेल्स. इट इज एन एक्सपीरियंस दैट लीव यू विथ मेमोरीज वार्मर देन द तंदूर और द गरम पकोड़ाज एंड अ स्माइल वाइडर देन हिमालयाज देमसेल्व्स. तो सोच क्या रहे हैं दोस्तों, अगर आपने आज तक हिमालयाज, हिमाचल प्रदेश के खोक्सर और सिसु को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इसको अपने ट्रैवल लिस्ट में डालिए. और हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, कहानियाँ और
ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स। Every day, late at night, not okay.